कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो पक्ष में निर्णय आया है वह अति सराहनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं केंद्र सरकार को भी कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज धारा 370 हटाए जाने के समर्थन में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया। निश्चित रूप से यह अलगाववादियों, यह आतंकवादियों, यह पत्थरबाजों के खिलाफ, पत्थरबाजों के जो मनोबल बढ़े हुए थे उसको हतोत्साहित करने वाले हैं। इसे राष्ट्रवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ और इसे राष्ट्रवादियों को बल मिलेगा। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां चुनाव की भी घोषणा कर दिया है तो वहां पे निश्चित रूप से देश की जीत होगी, वहां लोकतंत्र का विजय होगा। सभी लोग मिल करके वहां पे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, कश्मीरी पंडित भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जम्मू कश्मीर को एक भारत का जो अंग था, अंग रहेगा और सशक्त अंग बन करके एक उदाहरण पूरे देश में, विश्व में प्रस्तुत करें। आज देश और देशवासियों के लिए बड़ी खुशी का अवसर है, जो 370 धारा और 35 ए धारा को देश की माननीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षरित करके खत्म किया था, आज उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बृहद बेंच ने भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने आदेश में ये सिद्ध कर दिया है, पारित कर दिया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहां लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है सितंबर के महीने में, अगले साल के उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहां जीवित होगा और जो इतने वर्षों से पत्थरबाज लोग कश्मीर पर, जम्मू पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे, आतंकवादी गतिविधियां करना चाहते थे, अब धारा 370 और 35 से हटने के बाद वहां भी समरसता आई है, वहां भी धार्मिक उन्माद समाप्त हुए हैं, वहां आतंकवाद समाप्त हुआ है, वहां विकास हुआ है। अब वहां के युवा भी, चाहे थल सेना हो, जल सेना, वायुसेना में भी हैं, सर्विसेज में है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सर्विसेज में भी हैं, और अब वहां आईआईटी भी खुल रहे हैं, एम्स भी खुल रहे हैं, तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, विकास के पथ पर फिर से बढ़ रहा है। और जब डल झील, चीन, रावी, ताप्ती, झेलम नदियों में भी शिकारा जो खड़े होते थे, जहां हमारे दर्शनार्थी आते थे, पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे, जो एक विकास रुका हुआ था वो विकास आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय में कश्मीर भी पूरी तरह से सहभागिता निभा रहा। जब हमारे देश के कश्मीरी पंडित जो यहाँ प्रवासी हो चुके थे हत्याओं की वजह से, अब वापस जब पहुंचेंगे तो जब वहां जाके फिर से मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के साथ हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो फिर से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर भारत के साथ बनेगा।